हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और ठंड इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए, ये तो मजाक की बात है, ठंड बहुत है। और आज मंगलवार है और आज हम लोगों का मंगलवार के दिन व्रत होता है, तो मैं सोची आज मैं सीताफल की बासुंदी ही बना लेती हूँ, यानी सीताफल की खीर, क्योंकि ये अभी इसका सीज़न है और हमारे यहाँ ये 60-70 रुपये अभी मिल रहे हैं। मुझे लगता है सभी जगह इसका यही रेट होगा। तो सीताफल का बासुंदी ये देखिए सामने रखा हुआ है और इसी तरह से मैं आगे बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ सीताफल की खीर, जिसे कि सीताफल की बासुंदी भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ सीताफल की बासुंदी। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध चढ़ाऊँगी, इसको आधा करूँगी बॉयल होने के लिए। तो मैं चढ़ा रही हूँ 1 लीटर दूध को, ताकि वो आधा लीटर बन करके हो जाए, मतलब गाढ़ा कर लेना है। जितना दूध मैं लेती हूँ उसका आधा कर लेती हूँ। और ये है सीताफल, जिसको कि हमारे यहाँ बिहार में शरीफा भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका बीज अलग हटा देना है और सिर्फ इसका पल्प हमें रखना है। लेकिन ये भाई साहब उतने आसान नहीं है जितना अच्छा इनका नाम है शरीफा, उतने शरीफ ये है नहीं। इनका बीज निकालना उतना ही कठिन काम है। तो कहीं कहीं मुझे बताया गया कि चॉपर की हेल्प से निकालना आसान होता है, बट मुझे तो सबसे ईजी काम लगा कि मैं हाथ से ही निकालूं, वही मुझे ज़्यादा आसान लगा। तो और सब बड़ा अगर हो सीताफल तो ईज़ली निकल जाता है, तो मैं बड़ा ही मंगवाई थी। और उसका पल्प ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं उसके बीज निकाल रही हूँ और पल्प अलग कटोरे में रख रही हूँ और बीज अलग प्लेट में रख रही हूँ। और उधर दूध उबल रहा है गाढ़ा होने के लिए। और दूध जब उबल जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसे हम मतलब रूम टेम्परेचर पे आने तक रख देंगे। और इधर मैं सिर्फ काजू और बादाम को फ्राई करूँगी घी में रखने के लिए, क्योंकि मेरे शाश्वत बाबू हैं, मेरा बेटा है, वो और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है खीर में। उसे सब सिर्फ यही चाहिए, ना उसे पिस्ता खाना है, ना उसे किशमिश खाना है। तो बस मैं बादाम और काजू को घी में फ्राई करूँगी। और इधर मैं दूध बॉयल कर रही थी, लेकिन मेरे पति देव जी मुझे बुला लिए, तो मैं उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दी। और मैं भूल गई थी चीनी डालना, तो अब मैं फिर उसको गर्म करती तो फिर टाइम लगता, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा दूध ली, मैं उसको गैस पे चढ़ाई और मैं उसी में चीनी ही डाली और केसर के धागे डाली, क्योंकि मैं उसमें भूल गई थी केसर के धागे डालना और चीनी डालना। और ये आप लोग देख सकते हैं, वो दूध रूम टेम्परेचर पे आ चुका था और ये भी दूध थोड़ा सा था इसलिए रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो मैं इसको उस दूध में मिक्स की, तो चीनी केसर के धागे सब मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं ये सीताफल के पल्प जो हैं वो सारे इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गर्म जो दूध होते हैं उसमें नहीं मिक्स करना चाहिए, एकदम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो। और अगर गर्मी का सीज़न हो तब तो वो फ्रीज का हो तो ज़्यादा अच्छा है, तब टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन अभी ठंड का मौसम है इसलिए रूम टेम्परेचर पे हो। और ये बादाम और काजू को मैं निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये प्लेट में चिपका हुआ है क्योंकि ये घी के कारण जम चुका था प्लेट में। और ये बन करके तैयार हो गया है हमारा सीताफल का आइसक्रीम, सॉरी खीर। और ये देखिए कितना अच्छा बना है सीताफल का खीर, जिसे कि बासुंदी भी कहते हैं, सीताफल की बासुंदी। मैं तो इसको खीर ही बोलूँगी। और ये देखिए मैं 3 कटोरी में निकाल चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं। और देखिए बहुत अच्छा लगा खाने में, तो आप लोग को भी अच्छा लगे तो बना करके एंजॉय कीजिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय।